दोस्तों नमस्कार, पीयूष कुमार गोयल फिर आपके साथ। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले क्या संडे है मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ कि एक टैलेंटेड हीरो जो टीवी से निकला हुआ था, अपनी कलाकारी अपने टैलेंट के द्वारा वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया था। उसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत और उसने सुसाइड कर लिया। एक हंसते हुए चेहरे ने पूरी दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आदमी सुसाइड कर सकता है, लेकिन परिस्थितियों ने उसको मजबूर कर दिया। आखिर क्यों? यही बॉलीवुड है। कुछ लोगों को ही बॉलीवुड में चांस मिलता है, टैलेंट की कोई पूछ नहीं है, या कुछ लिमिटेड लोगों को ही चांस मिलता है। एक टैलेंट ने आत्महत्या कर ली। दोस्त, पूरे बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए, ये शर्म का विषय है। एक टैलेंटेड आदमी जिसने बायोपिक, धोनी की बायोपिक बनाई, इतना अच्छा काम किया उस आदमी ने, वाकई में बड़ा दुख, मेरी आत्मा रो रही है एक अच्छे इंसान के लिए। और भाई भतीजा बात, कुछ लोगों को चांस है, आपके लिए चिलुवर पानी नहीं है। आपको जवाब देना होगा, आपको फिल्म सिटी को जवाब देना होगा, हिंदुस्तान के लोगों को, कि एक टैलेंट ने आत्महत्या कर ली। क्या परिवारवाद है? क्या कुछ लिमिटेड लोगों के लिए पैसा लगता है? क्या लिमिटेड आदमी ही फिल्म सिटी में पैसा लगाते हैं? क्या एक प्रकार के लोग ही फिल्म सिटी में हैं? क्या टैलेंट की कोई टैलेंट ने आत्महत्या कर ली, उसका जवाबदारी किसी के पास नहीं है? हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। इरफान खान अभी चले गए, दुख की बात है, टैलेंटेड था आदमी। ऋषि कपूर जी चले गए, बहुत दुख की बात है। खान साहब अच्छा लिखते थे, अच्छा गाते थे, बड़ा दुख है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी ने, उस टैलेंट ने आत्महत्या कर ली। क्या कहूँ, आंखों में आंसू ही नहीं है। बस फिल्म सिटी को जवाब देना होगा एक दिन। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2003 में मेरे साथ घटित हुआ। ना फिल्म स्टूडियो का नाम लूँगा, ना उस हीरो का नाम लूँगा, सिर्फ इस इतने कहने पे कि मैंने, इस फिल्म की हीरोइन कौन सी है। और इस हीरो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी उम्र में तो शायद मैं भी फिल्म में कर सकता था। टैलेंट है दोस्त, चमचागिरी करने नहीं आती। बस आज डिब्बे में बंद है वो आदमी। चार आदमी आए, कहने लगे सर यहाँ से चलिए। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने हीरोइन का नाम पूछ लिया। 14 आदमी थे, मैंने कहा भाई मुझे क्यों ले जा रहे हो? फ्रेंच कट वाले को बोला गया। व्हाट इज दिस? क्या है? क्या यही बॉलीवुड है? जवाबदारी बनती है आपकी भी? यह हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू एकदम उठता भी है, एकदम नीचे बिठा भी देते हैं लोग। आप बंदा, हम निकल के आ गए, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आए, वो आपको जाना पड़ेगा। बोले जा रहे हैं भैया, हम किसी के साथ आए, किसी के मेहमान हैं, वो हमको लेकर आए, ज़बरदस्ती नहीं आए। बाहर एक आदमी मिल गया, आपने हमारा स्टूडियो बदनाम कर दिया। भाई किस लिए? कहते हैं कि आपने पैसे दिए हैं शूटिंग देखने के लिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, पहली डिब्यूट फिल्म है, हीरो को जानता नहीं है पूरी दुनिया में कोई भी, उसके लिए हम पैसे देंगे? तेरे स्टूडियो वालों ने तेरे को ये सिखाया? तेरे को बोलने की तमीज नहीं है? मैनेजर साहब के पास गए, मैनेजर साहब बहुत बढ़िया थे बेचारे, बड़े सम्मान के साथ बात किया उन्होंने। वहाँ भी वो आदमी आ गया, मैंने कहा बदतमीजी मत कर, अपना काम कर, बम्बई की छवि मैं बहुत खराब लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सफल होना है तो सफल होने की कीमत तो बंदे ने चुका दी उसने, लेकिन सवाल खड़ा करके गया है। बॉलीवुड के मुंह पे तमाचा है, जवाब तो देना बनता है। धन्यवाद, इस फिर एक नई सोच के साथ फिर मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।